नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भारतीय जनता पार्टी इस समय सतना जिले में प्राइवेट कंपनी की तरह चल रही है, जिसका जो मन पड़ रहा है वो वही कर रहा है। यह बात मध्य प्रदेश के सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के सामने भी आ गई। मैहर में गत दिनों भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। समापन अवसर पर प्रदेश के सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी को संबोधित करना था। जब श्री शर्मा ने मैहर में मंडल अध्यक्षों की संख्या कम देखी तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कम मंडल अध्यक्षों की संख्या के बारे में पूछा तो पता चला 4 मंडल अध्यक्षों को तो बुलाया ही नहीं गया। जो नारायण त्रिपाठी के समर्थक माने जाते हैं उन्हें इसके अलावा सतना के एक अन्य मंडल अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने 4 मंडल अध्यक्षों को बुलाया ही नहीं, बल्कि एक मंडल अध्यक्ष सतना के थे जिनका नाम विक्की आहूजा है। उनकी बहस भाजपा के जिलाध्यक्ष और प्रदेश के उपाध्यक्ष से हो गई थी, जिसके कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बुलाया गया। अब सवाल यह उठता है कि यदि यह मंडल अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी की बैठक में बुलाए जाने के लायक नहीं है तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया, और यदि इन 4 मंडल अध्यक्षों को निष्कासित नहीं किया गया तो यह जिला कार्यकारिणी की बैठक में बुलाए जाने चाहिए थे। कुल मिलाकर एक बात साफ हो गई है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति की सतना की जिला कार्यकारिणी में कोई वैल्यू नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भाजपा अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो मिलेगी। कहने का अभिप्राय साफ है कि यदि सतना जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करनी है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश के उपाध्यक्ष का चरण चुम्बन करना होगा, नहीं तो भाजपा की जिला राजनीति से वह व्यक्ति बाहर कर दिया जाएगा। यह बात प्रदेश के सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी भी समझ चुके हैं। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आई कि 4 मंडल अध्यक्षों को बुलाया ही नहीं गया, लेकिन 28 मंडल अध्यक्षों में सिर्फ 14 मंडल अध्यक्ष ही उपस्थित थे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? 14 मंडल अध्यक्ष यदि गायब थे तो इससे एक बात तो साबित होती है कि या तो उनकी जिलाध्यक्ष से पटरी नहीं बैठ रही है या उन्हें मंडल अध्यक्ष किसी दबाव में बनाया गया। उन मंडल अध्यक्षों का पार्टी की रीति नीति से कोई लगाव नहीं। जो मंडल अध्यक्ष पार्टी की जिला कार्यकारिणी के प्रशिक्षण कार्यक्रम से नदारद थे, क्या पार्टी उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी या उन्हें इस बात की छूट होगी कि वे पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों से जब चाहे दूरी बना सकते हैं? जब पार्टी नहीं यह मान ही लिया है कि जब नारायण त्रिपाठी से भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं रखना तो उनके समर्थकों को पार्टी पदाधिकारी पद से निकाल दिया जाना चाहिए या बाहर करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को मौका देकर संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे एक बात साफ जाहिर है कि पार्टी के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। भाजपा का उच्च नेतृत्व सतना जिले के अंदर चल रही पार्टी की गतिविधियों पर यदि अंकुश नहीं लगाता तो आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का हश्र वही होगा जो रैगांव उपचुनाव में हुआ। देखते रहिए विशाल खबर।